अब ये जो प्लांट है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लांट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होने के कारण दूसरे प्लांट से, जिस प्लांट में डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी होगी, उस प्लांट से वो डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी वाला प्लांट जो होता है, दैट इज द पार्थेनियम कांग्रेस ग्रास, वहां से वो जीन आइसोलेट करेंगे और यहां पे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट भी इंसर्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका डिसीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, बराबर। तो ये वेराइटी हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिसीज रेजिस्टेंट जो जीन होता है वो बैक्टीरिया से भी आइसोलेट कर सकते हैं, देन अदर वायरस से भी आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके क्योर करने के बाद हम यूज करें। देन प्लांट, यहाँ पे काफी सारे प्लांट में अमीनो एसिड की डिफिशियंसी होती है, अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, उसकी डिफिशियंसी अगर है तो हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड की डिफिशियंसी, वहां पे अमीनो एसिड दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी प्लांट में अमीनो एसिड की डिफिशियंसी है आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, बराबर है, 21 हुआ है लेकिन अभी तक इंक्लूड नहीं किया, इन्वेंट हुआ है लेकिन इंक्लूड नहीं किया, 20 अमीनो एसिड है, मान लो कोई अगर अमीनो एसिड की डिफिशियंसी है प्लांट में, जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो प्रोटीन बनेगा क्या वहां पे, नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो अमीनो एसिड की डिफिशियंसी है वो अमीनो एसिड वहां पे फॉर्मेशन, अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए जो जीन होता है वो आइसोलेट करेंगे दूसरे प्लांट से और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए इंसर्ट करेंगे, मतलब वो इंसर्ट करने के बाद वो जीन क्या करेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड फॉर्म करेगा पर्टिकुलर प्लांट। देन उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस सच एज हाई टेम्परेचर वाटर कोल्ड इटीसी आर ऑल्सो डेवलप, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा प्लांट भी हम डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, राइस प्लांट में क्या चाहिए, वॉटर चाहिए, बराबर, मैक्सिमम क्वांटिटी में पैडी जो होता है वहां पे, पैडी जो फील्ड होती है उस फील्ड में वाटर की रिक्वायरमेंट, अगर वाटर का कंटेंट अगर कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। इसी वजह से जब ये प्लांट हम लगाते हैं, जो सीड हम बनाते हैं राइस प्लांट की, उसमें विच ऑल्सो टॉलरेंट टू स्ट्रेस, स्ट्रेस रेजिस्टेंट चाहिए वहां, जो वाटर स्ट्रेस होता है, हाई टेम्परेचर वाटर कोल्ड, इस एडवर्स कंडीशन में भी अगर वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो कम वाटर की क्वांटिटी में भी वो प्लांट सर्वाइव करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। इसी वजह से इस तरह के सीड राइस प्लांट के हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट, दिस इज ओवर अबाउट द इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी, दैट इज द बायोफोर्टिफिकेशन। हमने कुछ एग्जाम्पल सीखे, फर्स्ट राइस, गोल्डन राइस, देन उसके बाद ऑयल, देन आयरन डिफिशियंसी, देन अदर, और काफी सारे यहाँ पे हमने देखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्टिंग कैरेक्टर्स। अब मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब क्रॉप फील्ड में क्रॉप लगाया हमने, प्लांट लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंगो की खेती कर रहे हैं, मैंगो में, मैंगो प्लांट में मैंगो काफी सारे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज द पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टर्स, मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता क्या है, उसका मीनिंग क्या हो, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब ये प्लांट फील्ड में से अगर मैंगो प्लांट की खेती कर रहे हैं तो वहां पे जैसे मैंगो ग्रो होंगे लगेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम उसे कट कर, प्लांट से कट करेंगे, बराबर है, कट कर की प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, बराबर है, हार्वेस्ट मतलब वो निकाल रहे वहां से फील्ड से वो मैंगो निकाल रहे, अब उस प्रोसेस को बोल देंगे हार्वेस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मतलब वो फील्ड से प्रोडक्टिविटी मिलने के बाद अब हमारी प्रोसेस कौन सी है, मार्केट तक वो हमें मतलब ट्रांसफर करना है, बराबर है, अगर मार्केट तक ट्रांसफर करना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है, उस वो भी एक प्रोसेस, बराबर है, जैसे हापुस मैंगो होता है आपको पता है,
उसकी एक पेटी आती है अलग अलग, बराबर। दैट पैकिंग प्रोसेस, उस पैकिंग प्रोसेस में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पैकिंग कैसे करना चाहिए, किस वे से करनी चाहिए और कौन से फ्रूट को किस वे से पैक करना चाहिए, बराबर। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट जो होते हैं, डिसीज एंड पेस्ट ब्रशिंग ऑन सॉफ्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल, डिसीज एंड पेस्ट ब्रशिंग ऑन सॉफ्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल। फॉर एग्जाम्पल, जो फ्लेशी फ्रूट होते हैं, बराबर, फ्रूट्स होते हैं फ्लेशी फ्रूट्स, देन वेजिटेबल, फ्लेशी फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंगो फ्लेशी होता है, देन सेकेंड टोमेटो, ये भी क्या होता है, ये वेजिटेबल, ये क्या होता है, फ्लेशी होता है, बराबर। इसे पैक करने से पहले किस वे से पैक करना है, कौन सी कंडीशन वहां पे अप्लाई करना है, ये सब प्रोसेस है, आप ही बताइए। देखो, हीट कोल्ड एंड स्टोरेज ओवर राइपनेस लॉस ऑफ फ्लेवर एंड ऑर्डर, मतलब उसे हम स्टोर करेंगे पहले, निकालेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, फील्ड से निकालने के बाद उसे स्टोर करेंगे, लेकिन स्टोर करते समय ये हमें प्रिकॉशन लेना है कि वहां पे उसका फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए, जो ऑर्डर आती है, स्मेल जो आता है, वो उसे जो जिस तरह से स्मेल है उस प्लांट से या मैंगो का वही रहना चाहिए, वो लॉस नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट, वो ओवर राइटनेस, मतलब राइटनिंग मतलब पकना, वो ज्यादा पकना नहीं चाहिए, देन उसका फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये हमें प्रिकॉशन लेना है, मतलब जहां से हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसे स्टोर करेंगे और स्टोर करके वो हम क्या करेंगे, पैक करेंगे, और पैकिंग के बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, अलग अलग ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ पे अलग अलग जगह पे। तब जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तब उस ट्रांसपोर्टिंग में उसका फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए, देन उसका ऑर्डर वो भी लॉस नहीं होना चाहिए, बराबर, देन उसकी स्मेल जो है वो भी लॉस नहीं होना चाहिए, फ्लेवर और वो ज्यादा राइपनिंग मतलब पकना भी नहीं चाहिए। क्यों? अगर वो ज्यादा अगर पका है, जहां तक जाएगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, वहां तक जाते जाते अगर वो कंप्लीट पक जाएगा तो क्या होगा, उसका फ्लेवर भी लॉस होगा, बराबर। और एक अगर मैंगो अगर सड़ गया वहां पे, रॉटन अगर हो गया, तो मैक्सिमम मैंगो क्या होते हैं वहां पे, सड़ जाते, बराबर। ये प्रोसेस वहां पे होगा, इसी वजह से ये टेक्निक है मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टर्स, या मॉडिफाइड करना, वो किस तरह मॉडिफिकेशन वहां पे हम करेंगे, मतलब सड़ना नहीं चाहिए, वो रॉटन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसका फ्लेवर लॉस नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिस्ट चेंज आर ड्यू टू एंडेंजर्ड एंजाइम एक्टिविटी। अब ये मैंगो प्लांट, जो मैंगो होता है वो पकता क्यों, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो है वो पकता क्यों है, उसके पीछे भी रीजन, जैसे प्लांट में कोई वेजिटेबल या फ्रूट आता है तो अपने आप को प्रोसेस होती है, वो पकता है, बराबर। क्यों पकता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम, एक एंजाइम फॉर्म होता है, एंड दैट कंडीशन, उस कंडीशन में एक एंजाइम वहां पे फॉर्म होता है, और एंजाइम क्या करता है, जो सेल वॉल होती है प्लांट में वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, सेल वॉल को ब्रेक करेगा, सेल वॉल को जब ब्रेक करेगा तब क्या होता है, उसके वजह से कुछ ऑक्सीजन अंदर आता है, गैसेस एक्सचेंज होने लगते हैं, और कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा वहां पे, वो जो फ्रूट है या वेजिटेबल वो क्या होगा, पक जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इन टोमेटो, टोमेटो प्लांट में एक एंजाइम होता है, दैट इज द पॉलीगैलेक्टोरोनेज। अब पॉलीगैलेक्टोरोनेज ये क्या है, एंजाइम, ये पॉली गैलेक्टोरोनेज ये एंजाइम है, क्या है ये, एंजाइम। इस एंजाइम की वजह से क्या होगा, इस एंजाइम की वजह से, ये एंजाइम करता क्या है, इन टोमेटो प्लांट, टोमेटो प्लांट में नेचुरली सिर्फ टोमेटो प्लांट में नेचुरली फॉर्म होता है। अब टोमेटो प्लांट में अगर ये नेचुरली फॉर्म होता है, ये एंजाइम है पॉली गैलेक्टोरोनेज, ये टोमेटो प्लांट में फॉर्म होता है, प्रेजेंट इन
टोमेटो प्लांट, मतलब टोमेटो में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, टू ब्रेक सेल वॉल। अब सेल वॉल में कौन सा कंटेंट जो होता है ये ब्रेक करेगा, दैट इज द पेक्टिन। ये पेक्टिन जो एंजाइम, मतलब पेक्टिन जो कंटेंट होता है सेल वॉल में, सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, बराबर अलग अलग कंपोनेंट वहां में प्रेजेंट होते हैं, उसमें से पेक्टिन को क्या करता है ये ब्रेक करता है। कौन? पॉली गैलेक्टोनेज, ये एंजाइम सेल वॉल को ब्रेक करता है। सेल वॉल में कौन से कंटेंट, दैट इज द पेक्टिन को ब्रेक करेगा। जैसे ये पेक्टिन को ब्रेक करेगा वो टोमेटो जो है, टोमेटो जो प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, उसकी सेल वॉल अगर ब्रेक हो गई वो क्या होता है, ब्रेक होने के बाद ये लूज हो जाए। आउटर पार्ट अगर ब्रेक हुआ तो क्या होगा, लूज होगा। लूज होने की वजह से क्या होगा, लूज होने की वजह से ये जो इसकी रिजिडिटी है, हार्डनेस है, वो क्या होगी, कम होगी। पहले से वो कौन सा फ्रूट है, कौन सा वेजिटेबल है, वो प्लेशी, बराबर है। प्लेशी वेजिटेबल होने के कारण यहाँ पे पल्प वहां पे होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका फ्लेवर भी लॉस होगा, ऑर्डर भी लॉस होगा, बराबर है। और ये जल्दी क्या होगा, पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉली गैलेक्टोनाइज क्या करता है, सेल वॉल को ब्रेक करता है, बराबर। तो हमें इसे, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम अगर प्लांट में सीड नहीं, सॉरी इस वेजिटेबल में अगर फॉर्म नहीं होगा, टोमेटो में जल्दी अगर फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, ये वॉल ब्रेक नहीं होगी और ये जल्दी पकेगा, बराबर, उसका फ्लेवर लॉस नहीं होगा। तो यहां पे क्या करेंगे आप, इस कंडीशन में ये एंजाइम सीक्रेट होने के लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा, क्या होगा यहां पे, एक पर्टिकुलर जीन यहां पे एक्टिविटी कंट्रोल करता है ये फॉर्मेशन के लिए, एंजाइम फॉर्म करने के लिए, बराबर। एंजाइम कौन फॉर्म करता है, प्रोटीन, एक प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये जीन क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करेगा और प्रोटीन से एंजाइम फॉर्म। फिर हम इस प्लांट में ऐसा जीन इंसर्ट करेंगे, एंटी जीन बोलते हैं, कौन सा जीन, एंटी जीन। अब यहाँ पे ऐसा एंटी जीन, ये एक ऐसा जीन इंसर्ट करेंगे जो ये जो पॉली गैलेक्टोनेज जीन है वो जीन यहां पे वो प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा, दैट इज द, यहां पे देखो एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, कंजेंट पेक्टिन लीडिंग सॉफ्टनिंग एट फ्रूट एंड ड्यूरिंग रैपिंग, द फ्रूट आर इजिली ब्रश्ड एंड डैमेज शिपमेंट बाय इनिबिटिंग द पॉली गैलेक्टोनेज बाय एंटीसेंस जीन। यहां पे एंटीसेंस जीन हम यूज करेंगे, दैट इज द एंटी सेंस जीन यहां पर हम यूज करेंगे, जो जीन क्या करेगा, एंटीसेंस जीन, ये पर्टिकुलर जीन को सप्रेस करेगा और ये पॉली गैलेक्टोनेज ये एंजाइम फॉर्म नहीं करेगा। अगर वो एंजाइम फॉर्म करेगा भी लेकिन लेट, बराबर, मतलब ये प्रोडक्ट यहां पे हम ट्रांसपोर्ट करने से पहले,